अस्सलाम वालेकुम देवियों तो सजनों पहनो तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मूवी डंकी की। ये इस मूवी की बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी की गई है और इस मूवी की पब्लिसिटी के ऊपर इतना पैसा सा इन्वेस्ट कर दिया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस मूवी के जो स्टार कास्ट में है शाहरुख खान, बूमन ईरानी और तपस्वी पन्नू जो कि साउथ की सुपरस्टार है, जो कि न्यू कमर नहीं है, ये बहुत पुरानी नई एक्ट्रेस है लेकिन इतनी पुरानी नहीं है जितने के शाहरुख खान है। और इस मूवी के जो राइटर है वो है कनिका ढिलन, अभिजीत जोशी और ये जो राजकुमार हेरानी जो है वो इस मूवी के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। राजकुमार हेरानी जो के पहले काफी मूवीज बना चुके हैं जिनमें मैं मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की लगे रहो, मुन्ना भाई संजय दत्त सर की और संजय दत्त सर की बायोग्राफी के ऊपर मूवी बनी संजू, और इसके अलावा वह 3 Idiots आमिर खान साहब की और PK मूवी जो कि आमिर खान साहब की। तो ये शाहरुख खान की इससे पहले भी 2 मूवीज चल चुकी हैं क्या है, जिसमें कि एक का नाम है पठान और पहले एक मूवी में उन्होंने भगवा कलर करके मूवी को वायरल करवा लिया और न्यूज में मूवी आ गई, और जब मूवी लगी तो उसमें वो बीच में से शॉर्ट ही कट कर दिया गया था। तो ऐसे डरपोक भी इंसान होता है। तो अब शाहरुख खान की अच्छी भली 2 मूवीज चल पड़ी थी, तो क्या जरूरत थी ये डंकी मूवी करने की। उसी का क्या नाम था, चलो जो भी नाम था, तो शाहरुख खान की जो 2 मूवीज अभी चल चुकी हैं तो वो एक्शन मूवीज चली हैं। तो ये जो दौर अभी चल रहा है यहाँ पे अभी भी बेड लूकर चल रही है, जो कि साउथ के जो सुपरस्टार हैं पहले के जिन्होंने मूछ रखे आते थे वो भी अभी दाढ़ी रखे आ रहे हैं, और जो लड़कियां वो भी बेड लुक को लाइक करती हैं, ये क्लीन शेव को लाइक नहीं करती हैं। तो इस मूवी में शाहरुख खान जो है जो कि 90s के लुक में आ गए हैं, जो कि राज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ कुछ होता का जो राहुल तो वो लुक ये लेके आए हैं। तो चलो ठीक है, मूवी की स्टोरी भी ऐसी है कि वो बूढ़े लोग हैं जो कि 25 साल पहले का सोच रहे हैं। तो ये मूवी की जो था ना, ये मूवी ऐसी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो मूवी यानी कि मूवी में है कुछ नहीं, पब्लिसिटी इतनी कर दी गई है और इस मूवी में शराब को बहुत प्रमोट किया गया है। तो जो के एग्जाम में पास होते हैं, जो के कौन इंग्लैंड जाएगा या नहीं जाएगा, तो जो पास होने की खुशी में भी लोग शराब पीते हैं और जो फेल होते हैं उसको खुशी में भी शराब पीते हैं। यानी कि ये अब शाहरुख खान जो है वो एक बहुत बड़ा हीरो है, तो इंडिया के बहुत लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो एक तो ये करता है कि ये शिरक करता है और एंटी इस्लाम एंटी पाकिस्तान का इसने बीच में अपनी मूवीज में फैक्टर डालता है। इस मूवी में एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान का फैक्टर तो नहीं डाला, लेकिन इस मूवी में ये इसने प्रमोशन कर दी शराब की। तो अब मैं एक एक्टर हूं, मैंने आज तक क्योंकि मैं खुद जिंदगी में मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो मैंने जिंदगी में कभी ऑन स्क्रीन मैंने स्मोकिंग नहीं की, और इसकी वजह से मैंने बहुत सारे मैंने करेक्टर ठुकराए हैं, मैंने एज अ हीरो भी मैंने करेक्टर ठुकराए हैं, मैंने एज अ विलन भी करेक्टर ठुकराए हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो लेकिन ये कहो जा बंदा है कि नहीं है, बहरहाल जो भी है ये शाहरुख खान है, SRK है, ये ऐसा ही है। तो ये ने शराब की इस मूवी में बहुत ज्यादा प्रमोशन की गई है। हालांकि इंडियन मूवीज में बहुत ज्यादा बाकी भी मूवीज हैं जिसमें शराब की प्रमोशन की जाती है कि सिख हजरा जो है वो खुश होते हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, या कोई भी खुश होता है शराब पीना शुरू कर देता है, दुखी होता है शराब पीनी शुरू कर देता है। बहरहाल ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हर मूवी जब शुरू होती है तो उसके शुरू में तो वो बिंगे चिबे मुंह दिखा के तम्बाकू नोशी का तो कह देते हैं कि ये ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो ये शराब की भी प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। या जब शराब की प्रमोशन करते हैं तो अच्छी खासी एक कोने के ऊपर एक तस्वीर या वीडियो चलानी चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है, कि हम इसको नहीं करते, तो हम इसको प्रमोट नहीं करते। लेकिन शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, SRK है, तो पैसा तो कमाना है ना, चाहे वो शराब के पब से आए या जिधर से मर्जी आए। इसके साथ जो मूवीज आ रही हैं वो बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है, जो कि अभी एक टोबी मूवी आ गई है, टोबी मूवी का तो कमाल ही नहीं है, उसका तो जवाब ही नहीं है। टोबी मूवी भी सलार और ये डंकी इससे बहुत ऊंचे लेवल की एक्ट कर गया है, जो उसमें हीरो है। तो ये जो डंकी मूवी है तो ये समझ से बाहर है, इसमें कोई एक्टिंग खास नहीं है, इसमें लूपहोल ही है, इसमें रोमांस कोई होता मजा नहीं आया। तो क्योंकि जो शाहरुख खान के साथ है जिन्होंने जो कि जिनको रोमांस किंग कहा जाता है, लेकिन जब वो रोमांस किंग कहा जाना शुरू हुआ तो जब ये मूवीज में आए थे तब ये 26 साल के थे, अभी ये 66 साल को भी पार कर गए हैं। तो ये वैसा जादू नहीं चल सका जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं काजल थी, या दिल से मूवी में मनीषा कोराला थी, तो और ये वो वीर जारा में वो थी प्रीति जंटा, और ये वैसा है इनका कुछ नहीं बन सका ना। तो ये दीपिका पादुकोण की तरह वो मूवी जो थी कि अभी कहानी बाकी है, अभी स्टोरी बाकी है, तो ये कुछ ना मज़ा नहीं आया। ओम शांति ओम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मूवी है ये डंकी की ये स्टोरी है, तो एक फौजी है, ये इनका जो करेक्टर है, ये जो मूवी की स्टोरी है ना, मूवी की स्टोरी बहुत ही फजूल किस्म की मूवी की स्टोरी है। तो एक फौजी है जो कि एक जान बचान उसकी किसी ने जान बचाई थी, तो
तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया है एक गांव में। तो जैसे कि पीके फिल्म में एक रेडुआ था और वो अपनी प्राइवेट पार्ट को वो रेडुआ के जरिए वो छुपाता फिरता था, तो क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है तो इसमें भी वो रेडुआ आ गया है, तो वो रेडुआ वापस करने ये शाहरुख खान आए हैं, जो कि फौजी को गोली लगी हुई थी और उसको एक बंदे ने, एक सिख सरदार ने कंधे के ऊपर रख के तो उसकी जान बचाई थी। तो शाहरुख खान अपना शुक्रिया अदा करने पंजाब में आए, तो जब पंजाब में आए तो पता चला कि वो मर गया है और उसकी एक बहन है जिसका के घर गिरवी है या उसको घर छुड़वाने के लिए उसने लंदन जाना है। तो ये जो मूवी है, ये एक मूवी ऐसी होनी चाहिए जो सारों को समझ आए, लेकिन ये जो मूवी है ये स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बाहर के मुल्क में रहते हैं या जिनको इंग्लिश समझ आती है, क्योंकि बहुत सारी जो इसमें लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूज हुई है, तो जो कि डंकी का सफर करते हैं या बाहर के मुल्क में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन एक आम बंदा जो कि इंग्लिश नहीं जिसको समझ आती वो फिल्म तो उनको उतरी टप जानी है नंग जानी। तो ये बहरहाल ये मूवी जो है कि है ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए ये मूवी ठीक थी, लेकिन आप अगर कहें कि इसको आप 3 घंटे अपनी लाइफ के दो या पैसे खर्च करके ये मूवी देखो तो ये ऐसी मूवी नहीं है जनाब। तो बहरहाल ये जो मूवी की स्टोरी है, तो एक ये 3 दोस्त हैं जिन्होंने गांव में से निकल के जाना है, तो और जो इसका दूसरा दोस्त है वो एक सिख सरदार साहब है जिसको जिसकी माँ पेंट पहन के जॉब पे जाती है और सारे उसको ऐसे फील होता है कि जो गांव वाले वो उसकी पेंट को ताड़ते हैं और बुजुर्गों को कितने ताड़ना है, लेकिन उनका दिमाग खराब है बाहर। और तीसरा बंदा जो क्या है वो एक नाई है, नाई के वो हजामते वगैरह करता है। तो शाहरुख खान ने जो भाई ये मूवी को सिलेक्ट किया, जब एक साल में 2 हिट मूवीज दे दी थी तो मुझे ऐसे लगा कि यह बंदा एक नाई है, तो बाहर वाले यार बंदा नहीं है नाई ही है। तो ये 3 दोस्त जो के हैं ये डंकी मार के ये बाहर जाने का सोचते हैं, और उससे पहले ये मूवी में काफी स्टोरी वगैरह भी चलती है। भूमन हिरानी इस मूवी में है, भूमन हिरानी जो कि राजकुमार हिरानी की हर मूवी में होते हैं, वो इसको बड़ा लाइक करते हैं, तो वो एक इंग्लिश टीचर का रोल अदा कर रहे हैं। और इस मूवी में एक और बंदा है, उसका क्या नाम है मुझे, चलो उस बंदे का नाम तो इससे पहले कोई जानता भी नहीं था, उसकी सिर्फ ये है कि वो सलमान की गर्लफ्रेंड का पति है और सलमान की गर्लफ्रेंड को जिसने हलवा समझ के खाया है, अब ये हर उस फिल्म में कैरेक्टर अदा करेगा। उसकी अभी एक पहले भी वो मूवी आई थी सैम बहादुर, और सैम बहादुर मूवी में जब जवान से लेके ये बुजुर्ग बन गया तो ऐसे ये घोड़ी बन के ऐसे चूल्हे पकड़ के फिरता रहा जैसे इसको मोरों का दर्द है। पर ये इस मूवी में उसको भी दिखाया गया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है, वो बाहर चले गया, तो इसने उससे मिलने के लिए जाना था, और ये इतना नलायक एक्टर है तो ये बीच में खुद को आग लगा के खुदकुशी करता है। एक बंदा जरा कुत्ते की मौत मरिया, तो ये एक जो नेक लोग होते हैं ना, तो वो जब मरते हैं तो उनकी जान ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे स्मूथ वो मरते हैं। और जो गुनाहगार लोग होते हैं ना, जब वो मरते हैं तो उनकी जान ऐसे निकलती है जैसे वो कांटों के ऊपर पर एक रेशम के दुपट्टे को ऐसे डाल के ऐसे खींचते हैं ना, तो इस अजियत के साथ उनकी जान निकलती है। तो ये बंदा जब जल रहा है तो तड़फनी मिट्टी नहीं लगी, ये बड़ा इंज सोचा सोची जा रहा था मरदा भी है, और जब ये मरा बड़े स्मूथ मर गया जैसे ये बड़ा आराम मर है, और खुदकुशी हराम है, कुत्ते की मौत मरा, तू तड़फ तड़फ के मर, और इन मरना तक नहीं आया, 2 मिनट का सीन नहीं देख लो होया। बहरहाल जो भी है, अब कतरीना का पति है तो बड़ी जिधर जिधर जिसको हलवा समझ के कतरीना को हलवा समझ के जिसने खाया वो उस प्रोडक्शन में बड़ी प्रोडक्शन में इसने तो काम करना ही करना है। बहरहाल तो ये जो मूवी है ये डंकी मारने के लिए ये निकल पड़े हैं, और डंकी के मारने के लिए ये निकले हैं, और पहले ही इन्होंने रूट को उनसा पकड़ा है, ये पाकिस्तान के रास्ते से जाएंगे, सिंध वालों दिए जाएंगे, और जितने के हालात कशीदा हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और चिड़ी भी उधर जावे तो अगले गोली मार देंगे तो इंडिया के, आई लव इंडिया, मेरे इंडिया के बहुत सारे फॉलोवर है, इधर कबूतर आवे पाकिस्तान को कबूतर मार देंगे, ये मक्खी को ये क्रॉस नहीं करने देते, और ये कौन से रस्ते से जा रहे हैं, सिंध के रस्ते से, तो सिंध वाले लोग बड़े जालिम किस्म के लोग ने, उधर मुंडे पीछे कतल कर देंगे, एडे ठरकी किस्म के लोग ने, उधर मुंडे पीछे अगले कतल करते फिर देने, इन्हें साल दुश्मनियां चल दी हैं, और सिंध के लोग जो हैं वो वडेरे हैं, वो साईं साईं बाबा साईं, तो वो इस किस्म के लोग हैं कि वो लोगों को पूरे की पूरी फैमिली उन्होंने गुलाम बनाई हुई है। सिंध के जो लोग हैं वो बहुत जालिम किस्म के लोग हैं, वो तो लोगों को गुलाम बनाते हैं इट्टा वाले पट्ठे के उत्ते उन्होंने बन लेना सी, पूरी पूरी जिंदगी इन्होंने उत्ते रखना सी, बड़े मजे नाल उत्थों निकल के चले गए, समझ नहीं आई। पर आगे से अफगानिस्तान पठाना के इलाके पठाना तो बना उस बेला उत्थे 5,000 का नोट डिगे, कोई नोट नहीं चुकता, कैसे पहले के 5,000 का नोट चुकना है तो 50,000 उत्ते लग जाना है। ये जो भी है ये जा चुके उधर चले गए, तो अब जैसे ही ये बाहर के मुल्क गए हैं, तो जैसे ही गए हैं तो वहां पे क्या है, ये जो इनका तीसरा वाला बंदा है वो अब जैसे कि चल मेरा पुतो मूवी आई थी तो उसमें स्टैचू बने थे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत बड़ा उनका कद काठ है इफ्तखार ठाकुर साहब, तो इफ्तखार ठाकुर जैसे वो बने हुए थे ये उसकी कॉपी की है इस बंदे ने, तो अगर उसकी कॉपी करनी थी तो इफ्तखार ठाकुर साहब को बीच में ले लेते तो फिल्म में जान डल जाती, क्योंकि इस फिल्म में देखने वाला कुछ भी नहीं है, 3 घंटे मेरी जिंदगी से जाया कर देते हैं फिल्म में। बहरहाल ये ऐसा हो गया। अब जैसा कि ये मूवी का नाम था डंकी, तो मुझे तो वैसे ही पता चल गया था
डंकी नाम से ये मूवी की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि डंकी नाम से कि ये 2023 में ये शाहरुख खान की डंकी है और मेरी मूवी, मेरी खुद की मूवी जिंदा भाग मूवी आई थी लॉलीवुड की, जो हमने वो नसीरुद्दीन शाह साहब को इंडियन एक्टर को भी बीच में कास्ट किया था, आमना हक थी और खुर्रम पतरस थे तो इस हमारी मूवी में, तो और दूसरी ये डंकी की बेस के ऊपर स्टोरी आई थी एमी विर्क की, जो कि सिख सरदार हैं और जिन्होंने शोहरत पाई अंग्रेज मूवी से, और एमी जो कि बहुत आला दर्जे के एक्टर हैं, और आजा मैक्सिको चलिए तो उस मूवी में भी ये नसर चनियोटी सर भी थे, जफरी खान साहब भी थे, वो बहुत अच्छी मूवी थी। ये जो डंकी मूवी है ये किसी तरीके से भी जो पहले डंकी मूवीज आई हैं, जो मेरी डंकी मूवी आई थी जिंदा भाग और आजा मैक्सिको चलिए, कि ये पास पास भी नहीं लग रही, लेकिन क्या है कि इस मूवी में शाहरुख खान है और इसकी पब्लिसिटी इतनी कर दी गई है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल होता अपना चपेड़ा मार के नहीं लाल कर दिया था। अगर इसकी 5 फिल्में दूसरे एक्ट्रेस के साथ चली थी संजू मूवी चली, पीके मूवी चली, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस चली, तो शाहरुख खान भी चलो जी उन्होंने चल गया, मेरी भी चल पे, ऐसा एक करेक्टर जहां पे मैं रहता हूँ वो भी है एक लड्डू पिटी, कोई गुब्बारे लाता गुब्बारे ला लेंदा, कोई बेसन वाले नाल लाता बेसन लाल लग पा, कोई चाट लाता चाट लाल लग पा, कोई चौकीदारा करता चौकीदार बन जाता, कोई पान शाप की दुकान बनता पान शाप की दुकान पर पानी शुरू कर देता, कोई पुलिस का मुखबर बनता वो भी पुलिस का मुखबर बन जाता, ऐसे लोग होते हैं। बहरहाल ये जो मूवी है इस मूवी का कोई सर पाँव नहीं है ना इनकी कोई स्टोरी है। अब ये जो तीन बंदे बाहर गए हैं, ये तीनों जो के हैं इनके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं तीनों के, और ये 25 साल वहाँ पे अभी ये वहाँ पे चले गए हैं डंकी मार के, ये लंदन पे पहुँच गए हैं। अब जो ये स्टोरी है इसकी, इसके साथ जो चल रही है तपस्वी पन्नू और शाहरुख खान, और ये जब वहाँ पे ये पकड़े जाते हैं क्योंकि ये शादी के लिए वहाँ पे रहने के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए ये किसी से शादी करती है और किसकी बारी आती है, तो ये शाहरुख खान उससे लड़ पड़ता है, और ये मजे वाली बात है ये फिल्म में फौजी भी बना था, फौजी बंदे किसी जवान बंदे बनाना चाहिए था जरा फौजी लगे भी, तो ये बहरहाल ये मिनी पैक भी चलो फौजी होंगे होंगे और इंडिया के लोग तो बड़े जवान होते हैं, राजपूत होते हैं, सिख सरदार वहां पे होते हैं, तो चलो कोई वो गिठा भी प्रतीक कर लिया, तो ये फौजी का समझ नहीं आती, चलो बनाता फौजी दिल खुश कर दो जी, और ये फौजी बने हुए हैं, और वहाँ पे जब किसकी बारी आती है उन्होंने कोड़ देता है और ये सारे पकड़े जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है असाइलम लेने के लिए ये इनको कहना होता है कि हम ये इंडिया में सेफ नहीं है, तो तब ये बंदे की गैरत आ जाती है, हालांकि असल जिंदगी बेच इनकी गैरत नहीं जागी, असल जिंदगी बेच इस्लाम को छोड़ के 5 साल एक हिंदू लड़की के लिए ये हिंदू बना रहा, ये इसका दीन मजहब नहीं है, ये जहाँ पे भी इसको मौका मिलता है ये आगे बढ़ के उसको चूस नहीं लेता, ये चूप लेता है, तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है या मौके के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो और ये असाइलम के लेने की जब बारी आती है तो इसका का देशभक्ति जाग पड़ती है कि नहीं मैं तो असाइलम ने मैं इंडिया को बुरा नहीं कह सकता, और पहले तू कुड़ी पीछे तू अपने मुल्क में छड़ के आ गया, तू फौजी सी होते तेन होया ना ही, तो बहरहाल ये मूवी है तो मूवी ऐसी ही होती है जो कि खच मूवी जो होती है वो ऐसी ही होती है, तो पहले बच्ची पीछे असल जिंदगी बिच हिंदू बना रहा मुस्लिम से और खुद को मुस्लिम कहता रहा तो मुनाफिक, तो फिल्म में पहले बच्ची के लिए अपना वतन छोड़ दिया, बाद में वतन की मोहब्बत के लिए असाइलम के लिए बारी आई तो ये इसको डिपोर्ट कर देते हैं, बाकी वो तीन उधर रह जाते हैं, और तीन उधर रह के 25 साल उन्होंने गुजार दिए, और वो कुआरे के कुआरे रहे, उन्होंने किसी ने दो रंडवाए, दोनों किसी ने कुड़ी नहीं दी, इन बंदा नहीं लगा दूसरी कुड़ी तपस्वी बनू को, और ये शाहरुख खान इधर आके ये भी कुआरा का कुआरा रहा, तो एंड के ऊपर पर मूवी क्लाइमेक्स होने वाली होती है, वो उसको फिर फोन करती है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड को तेरी जरूरत है तो दुबई के रास्ते आ जा, तो दुबई आके तो ये प्लान बनाते हैं कि उधर से ये फिर वो डंकी मारेंगे, तो वो अब डंकी के वो फिर क्या करते हैं कि दुबई से ये डंकी मारने जा रहे हैं वो इंग्लैंड की लंदन की फिर, और वो ये ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो ऐसे डंकी मारेंगे तो वो इंडियन समझ के क्योंकि पासपोर्ट वगैरह कपड़े वगैरह इंडियन के करके तो वो इनको दोबारा से डिपोर्ट कर देंगे, तो ऐसे ये बाहर आ जाते हैं क्योंकि इंडिया के इनका वीजा नहीं लग रहा होता क्योंकि इन्होंने असाइलम मांगा होता है, तो ये इस किस्म की मूवी है, तो मूवी की स्टोरी में कोई दम नहीं है, और जब ये जवान है तो क्योंकि सारे बेड लुक अब लाइक करते हैं तो ये राजवाली राहुल वाली लुक क्लिंचे वाली लेके आ गया, तो ये शाहरुख खान को भी ये समझना पड़ेगा कि जवान बनने के लिए तो तुझे मेकअप करना पड़ता है, और जब ये बुजुर्ग बने तो बुजुर्ग बनने के लिए इसने इतना मेकअप किया, बाल वाइट वाइट किए, वाइट दाढ़ी लगाई, तो ये जैसे कि कोई 25 साल का या 20 साल का लोंडा होता है तो वो उसको ये इतना मेकअप करना पड़ता है, जनाब आपको ओल्ड के लिए आपको मेकअप नहीं करना पड़ना, जस्ट आपने मुंह धोना है और एक दिन की आपने शेप बनानी है, तो जो आपकी 78 साल या 70 साल उम्र है वो लगेगी, तो आप ये 20 साल के या 25 साल के या 30 साल 35 साल के नहीं हो कि आप मेकअप करके आपने बुजुर्ग बनना है, तो ये जो बाहर वाली ये रंगबाजी है तो ये ऐसी रंगबाजियां नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे पब्लिक जो है वो उसको आप बहुत फेक लगते हो, और जो कि एक ओरिजिनल एक्टिंग होती है ना, ओरिजिनल अगर आप एक्टिंग करते तो आप इस मूवी में अच्छे लगते, तो इस मूवी में कॉपी पे कॉपी कॉपी पे कॉपी, कुछ ओथो फाड़ कुछ ओथो फाड़ कुछ चल मेरा पुत्र से ले कुछ आजा मैक्सिको से ले कुछ ऐसे सारा कुछ कर कर आके ये बाद में सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर जो असली में लोग मरते हैं वो दिखा दिया गया, बहरहाल ये मूवी में कुछ था नहीं, 3 घंटे की मूवी 3 घंटे तबाही कर दी, तबाही फेर दी, और इस वक्त तबाही फेरी जब बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं, अब सलार मूवी भी आई है
और मूवीज भी हैं, लेकिन इन सब के चलते टोबी मूवी आ गई। टोबी मूवी तोबा नाउज बिल्ला, इतनी बड़ी हिट मूवी, इस किस्म का एक्टर तोबा, हद क्लासिकल मूवी। तो ये जो मूवी थी, ये डंकी मूवी की अगर आप रेटिंग लें तो 10 में से ये 2 है, लेकिन अब इसकी वो इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है कि इस मूवी ने चलना ही चलना है। तो अब सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। तो सच्चाई जो के है, सच्चाई ये है कि ये इस किस्म की मूवी नहीं है कि आप अपनी लाइफ के 3 घंटे दें, ये इस किस्म की मूवी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके ये इस मूवी को देखें। तो बस सबर ही है। तो ये मूवी, ये था इस मूवी का रिव्यू, और मेरे मुताबिक ये जो मूवी है वो एक फ्लॉप मूवी है, और इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप देखें। बहरहाल मुझे ये फ्लॉप लगी। तो ये अगर बिजनेस कर भी जाती है तो ये सिर्फ इस बेस के ऊपर बिजनेस करेगी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था इस मूवी का रिव्यू।